आज के इस कंपटीशन के जमाने में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो बचपन से ही एफर्ट लगाने जरूरी हैं, यानी स्कूल लेवल पर ही अपनी स्किल और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते रहना जरूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इतने कैपेबल होंगे कि पूरी दुनिया से कम्पीट कर पाएंगे। अपना पोटेंशियल दिखाने का ये मोटिवेशन NTSC एग्जाम में छिपा है, जो आपको मौका देता है आपकी प्रतिभा को पहली बार नेशनल लेवल पर दिखाने का, क्योंकि इस एग्जाम का नाम ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSC है। यदि आप इस एग्जाम को देते हैं और क्लियर करते हैं तो आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। दोस्तों, आप सबके साथ एक बात शेयर करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने भी अभी NTSC स्टेज 2 के घोषित रिजल्ट में सफलता पाई है और वो NTSC स्कॉलर बन गया है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं NTSC एग्जाम क्या है, इसके देने के क्या फायदे हैं, NTSC एग्जाम को कौन दे सकता है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, NTSC एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होता है व इसकी तैयारी कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं NTSC एग्जाम क्या है। भारत सरकार प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट देती है ताकि वो बच्चे इसी लगन व मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी रख पाए, और NTSC एग्जाम के जरिए वो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की खोज करती है। NTSC यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। NTSC एग्जाम को CBSE व NCERT कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम दो चरणों में होता है। पहला चरण यानी कि NTSC स्टेज 1 स्टेट लेवल पर होती है व दूसरा चरण यानी कि NTSC स्टेज 2 नेशनल लेवल पर होती है। तो जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर करते हैं वो ही स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टेज 1 के लिए पूरे देश में लगभग 10 से 12 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, जिनमें से करीब 8500 बच्चे ही फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर पाते हैं। स्टेज 2 में इन बच्चों में से 2000 बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है जो NTSC स्कॉलर कहलाते हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं NTSC का एग्जाम कौन दे सकता है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड से, CBSE से या ICSE से पढ़ रहे हों। ये एग्जाम 10th क्लास में होता है, तो देश के किसी भी स्कूल या किसी भी बोर्ड से 10th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। अब जान लेते हैं NTSC का एग्जाम पैटर्न व पेपर पैटर्न के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि NTSC दो स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज फर्स्ट हर स्टेट अपने अपने हिसाब से लेता है, लेकिन हर स्टेट का एक कोटा फिक्स है कि इस स्टेट से स्टेज 1 से इतने बच्चे ही लिए जाने हैं। जैसे कि UP स्टेट से करीब 1400 बच्चे, हरियाणा से करीब 200 बच्चे और लगभग इतने ही दिल्ली से स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं। स्टेज 1 का एग्जाम नवंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है जब आप 10th क्लास में होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से डेट चेंज भी हो सकती है। स्टेज 2 का एग्जाम आगे मई मंथ में उन बच्चों का होता है जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं। ये तो हो गई बात एग्जाम पैटर्न की। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। दोनों स्टेजेस में एग्जाम में दो दो पेपर होते हैं। पेपर 1 मैट का यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का व पेपर 2 सेट का यानी कि सोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। दोनों ही पेपर में 100-100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है, यानी कि दोनों पेपर 100-100 मार्क्स के होते हैं। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, यानी कि टोटल पेपर 200 मार्क्स का व 4 घंटे का होता है। व इसी प्रकार स्टेज 2 का भी पेपर होता है। पेपर 1 यानी कि मैट के पेपर में रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 120 मिनट में पूरे करने होते हैं। पेपर 2 यानी कि सेट के पेपर में 40 क्वेश्चन साइंस के, 40 क्वेश्चन SS के व 20 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। NTSC एग्जाम का सिलेबस 9th व 10th दोनों क्लास के NCERT सिलेबस पर आधारित होता है। सबसे खुशी की बात यह है कि दोनों स्टेज में किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप खुल कर इस पेपर को दे सकते हैं। NTSC का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। तो अब आइए जानते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के क्या क्या फायदे हैं। सेकेंड स्टेज को क्लियर करने वाले
टॉप 2000 बच्चों को एनटीएससी स्कॉलर माना जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको एनटीएससी स्कॉलर का टैग मिलता है, यानी कि आप देश की प्रतिभा हैं। 10 से 15 लाख बच्चों में से आपका सिलेक्शन हुआ है। दूसरा फायदा, एनटीएससी के आधार पर बहुत से कॉलेज में एडमिशन के टाइम वेटेज मिलता है। तीसरा फायदा, आपको आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे जेईई, नीट, क्लैट, एनडीए, केवीपीवाई, इन सब के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको आपकी योग्यता का पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको सरकार हर महीने स्कॉलरशिप देती है, यानी कि 11th में 12th में आपको 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से व ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलते हैं, और पीएचडी के दौरान यूजी नॉर्म्स के तहत आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि जब तक आप पढ़ेंगे आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अब बात करते हैं एनटीएससी की तैयारी कैसे व कहां से करें। देखो, वैसे तो एनटीएससी का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही होता है, तो आप 9th व 10th को अच्छे से करें। रीजनिंग के लिए आप कोई अच्छे से ऑथर की बुक खरीद लें व हर रोज कम से कम 1 घंटा उसमें से तैयारी करें। बहुत से स्कूल एनटीएससी की तैयारी करवाते भी हैं। आप चाहें तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा भी ले सकते हैं। आप एनसीईआरटी की साइट से एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करके उनकी तैयारी कर सकते हैं, वह पेपर पैटर्न कैसा आता है समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं एनटीएससी के लिए कब व कैसे अप्लाई करें। नॉर्मल कंडीशन में एनटीएससी का फॉर्म जुलाई या अगस्त में स्कूल के द्वारा ही फिल किया जाता है। जो अच्छे स्कूल हैं आपको इस एग्जाम के बारे में अवेयर भी करते हैं, वह आपका फॉर्म भी फिल करवाएंगे, मतलब कि स्कूल के द्वारा ही ये फॉर्म फिल किया जाता है। तो ये थी एनटीएससी एग्जाम की पूरी जानकारी। आप इस एग्जाम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की साइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वह वीडियो यदि पसंद आई है और मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही हमारे चैनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद।